हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप ट्रैप, वी आर बैक अगेन। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे बेड, साइड टेबल्स, ऑटोमन, दो पफीज, इसके अलावा ब्रेकफास्ट काउंटर, वर्क स्टेशन, लैंप, साउंड बार, स्टोरेज, साइड स्टोरेज, पैरेलल स्टोरेज एंड आल्सो अ ब्यूटीफुल बेड। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे एक ही यूनिट में, क्योंकि ये स्पेस सेविंग कॉस्ट इफेक्टिव यूनिट है। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद में आपको मेन प्रोडक्ट दिखाएंगे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, फिट। मैं वैसे ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कोल्ड है, तो पीपल हैव टू बेयर विद द करेंटली वॉइस ऑफ माइन, बट यू आर साउंडिंग क्रिस्पी। ऑलराइट, सो वी आर विद मनीष जी टुडे एंड आपके साथ इज गोइंग टू बी अ जॉय राइड। क्विकली बता दें, हम हैं इस समय सेक्टर 29 में। हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए क्विकली कि कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, क्या क्या बना रहे हैं हम, हमारा क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है। हम लोग सेक्टर 29 गुड़गांव में हैं। ये मिडल ऑफ द हार्ट ऑफ द गुड़गांव के अंदर हमारा आउटलेट है, विच इज़ नेक्स्ट टू नेशनल हाईवे 8, विच इज़ नेक्स्ट टू सिग्नेचर टावर, विच इज़ नेक्स्ट टू हुडा मेट्रो स्टेशन। तो जिन लोगों को दिल्ली NCR से आना है यहाँ पे, वो पहुँच सकते हैं। जिनको मानेसर से या द्वारका एक्सप्रेस से आना है, उनके लिए भी बहुत ईजी और अप्रोचेबल है। शोरूम का नाम हमारा एम स्टूडियो है। मार्केट इज फेमस विद द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ऑल्सो। ओके, प्लस वी हैव अनदर शोरूम एट JMD रीजेंट आर्केड मॉल विद द नेम ऑफ फर्नीचर डैड। वहाँ पे भी बहुत ईजी टू अप्रोच है जाना। ये तो बात हो गई लोकेशन की। टोटली इनटू कस्टमाइजेशन, हम लोग फैब्रिक बेड, फैब्रिक सोफा, हाई विंग चेयर्स, सेंटर टेबल्स, डाइनिंग टेबल, क्रॉकरी यूनिट्स, जो भी एक होम रिलेटेड फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है वो हम सब प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग वॉल पेपर। एंड आजकल हम थोड़ा सा आर्किटेक्ट टर्न की प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए। ऑलराइट, एक सेगमेंट और है आपके पास, वो है सॉलिड वुड का, जिसमें शीशम का आपके पास काफी बड़ा रेंज है। सॉलिड वुड इज आवर बैकबोन। सॉलिड वुड के अंदर जो क्वालिटी हम शीशम वुड के अंदर दे रहे हैं जी, जो डिजाइन हम दे रहे हैं, जो वर्कमैनशिप और क्राफ्टमैनशिप दे रहे हैं, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम वुडन प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो सोफे के अंदर हो, चाहे वो बेड के अंदर हो, चाहे वो हाइविंग चेयर के अंदर हो, डाइनिंग के अंदर हो, वी गिव लाइफ टाइम टर्माइट वारंटी की प्रोडक्ट में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। परफेक्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि लकड़ी का सामान लेते ही सबसे पहले ख्याल आता है कि इसमें कीड़ा तो नहीं लगेगा। ठीक है, दिस इज एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, स्पेशली फॉर क्लैप ट्रैप दैट एंड ऑफ कोर्स फॉर यू एज वेल, कि हम लोग ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं आज, हमको ऐसे ऐसे लोग जानते हैं जिनको हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दो तीन तो मैं जानता हूं, जिसमें रेड चिली ऑफिस ऑफ शाहरुख खान, वहां पे आपका फर्नीचर गया, हॉलीडे इन जम्मू के कुछ होटल्स, इसके अलावा कुछ और कस्टमर है जिनके बारे में बताएं। सिनेमा हॉल्स में गया, लाइक वी आर चैनल पार्टनर फॉर फर्नीचर फॉर मिराज सिनेमा, जो पैन इंडिया में है। अभी रिसेंट जो हमारा जा रहा है उनका कोयम्बटूर और हैदराबाद के लिए हमारा सामान जा रहा है। ठीक है, तो हम मिराज सिनेमा का जितना लॉबी फर्नीचर होता है वो हम सब प्रोवाइड करते हैं। एंड दे आर लाइक वेरी बिग ब्रांड्स। आपने जैसे बताया कि नॉट इवन इन इंडिया, इवन इंडिया के बाहर से भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं। जैसे वो लेटर आया था अप्रिसिएशन का दुबई से, दुबई से अपन ने करा था, दुबई से किसी ने हमारे को फर्नीचर ऑर्डर किया, एंड टचवुड हमारी फ्लॉलेस डिलीवरी हुई बैंगलोर के अंदर। तो जैसे दुबई हो गया, कुवैत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, US हो गया, जो लोग अब्रॉड हैं लेकिन फर्नीचर प्रोवाइड करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो बिलीव ऑन मी, हमने इतनी कंट्रीज कवर कर ली हैं, लोगों के साथ हमने इतनी बातचीत कर ली है कनाडा में, और हमने पैन इंडिया, हमको जहाँ पे भी फर्नीचर चाहिए फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, हमने हर जगह पे डिलीवरी करी है एंड कामयाब डिलीवरी करी है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि केवल इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोग भी मुझे अप्रोच कर रहे हैं और हम लोग उनको फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, मोस्टली दे आर लाइक मैड अबाउट सॉलिड वुड फर्नीचर, कि शीशम का फर्नीचर अगर लेना है तो एम स्टूडियो से ही लेना है। अच्छा, मोस्टली क्रेज उनको सॉलिड वुड फर्नीचर का। ऑलराइट, देयर इज वन मोर फैदर कमिंग इन योर हेड, है ना? कहते हैं ना कि एक और आपको अभी रिसेंटली एक्नॉलेजमेंट मिली है। हाँ। तो हम बता दें हमारे व्यूअर्स को, जो हम कम्युनिटी में भी शेयर करेंगे, जी। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक वो शेयर हो चुका होगा। डॉक्टर पटनायक, हाँ जी, डॉक्टर पटनायक फ्रॉम ओडिशा, राइट? ही इज ऑन अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन ओडिशा। ही हैज सेंट यू अ लेटर पर्सनली, आल्सो अ बुक। ही इज अ राइटर, प्रोफेसर, डॉक्टर, राइट? ही इज फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड। ओके, कैन वी सी दैट लेटर? हाँ, ये मतलब ये लेटर आया है जी, तो इन्होंने ये मेरे को लेटर भेजा है, एंड मिस्टर सत्येंद्र पटनायक, इन्होंने मुझे लेटर भेजा है। इन्होंने मुझे और आपको खास तौर पे थैंक यू बोला कि थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस व्हेन एवर वी कॉल्ड यू, एंड आई वुड लाइक टू थैंक क्लैप ट्रैप फॉर इंट्रोड्यूसिंग यू टू अस। ऑलराइट, सो ही हैज सेंट यू दिस पर्सनल लेटर। इसमें कुछ जिक्र भी है कि इन्होंने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है, और कुछ इसमें कुछ पेमेंट से रिलेटेड भी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्नॉलेजमेंट। आई थिंक
ये जो एक्नॉलेजमेंट होती है ये सबसे ज्यादा अच्छी होती है। प्लस और क्या भेजा? प्लस उन्होंने मुझे एक तरह से ऑनर दिया है, मुझे ओडिशा के टूरिज्म के ऊपर लाइक टू मनीष चोपड़ा विद बेस्ट विशेस फ्रॉम मिस्टर पटनायक। ओके, ही इज द राइटर ऑफ दिस बुक। ही इज द राइटर ऑफ दिस बुक, ब्रिलियंट। एंड ही यू नो उन्होंने मुझे ये इतना बड़ा ऑनर करा, मुझे अपनी खुद की लिखी हुई किताब भेजी। और सर ये सच अ बिग अचीवमेंट सर, ये कितनी अच्छी बात है सर, ये क्लैटरअप के थ्रू हो रहा है और लोगों को कितना विश्वास है। और सर मेरे साथ पिछले 2 महीने में ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे मुझे सिर्फ एक मैसेज नहीं, प्रॉपर लेटर्स मेरे को लिख के दिए हैं। अच्छा। और मेरे को प्रॉपर एप्रिशिएशन दी है, चाहे अच्छा। वो दुबई से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे ये सर की सर का बुक आया मेरे पास ओडिशा से, ओडिशा से मतलब राइट। ठीक है, अनबिलीवेबल जर्नी सर फॉर मी। सो दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द होल वीडियो, राइट। अब हम 2 इंपोर्टेंट पार्ट और हैं इस वीडियो के। आज हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने के लिए आए हैं आपके पास, जो आपने हमें बताया था कि आप हमें एक ऐसी चीज दिखाएंगे जो शायद क्लैपटॉप के व्यूअर्स ने कभी नहीं देखी होगी। ये मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 3 साल के अंदर ये प्रोडक्ट किसी ने बनाया नहीं है। अच्छा। और किसी ने इसका शूट भी नहीं करा है। डन। और आप हमें जानते हैं कि हम हमेशा जब कुछ डिफरेंट करते हैं तभी हम वीडियो बनाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक बात है। एक क्रेज बना रहे हैं एम स्टूडियो का कि कुछ एम स्टूडियो की वीडियो आई है तो कुछ नया आया होगा, डिफरेंट आया होगा। All right, so the most important part is done, that is the honor. वो बड़ा emotional moment होता है हम सब के लिए। Now the product part, एक और emotional moment है, एक नया part हम देखेंगे। And video के end में एक और surprise है हम सबके viewers के लिए, वो भी बताएंगे हम। ठीक है, meantime एक चीज़ quickly बता दें कि जितने भी furniture units लोगों को दिख रहे हैं पीछे, ये सारे sale के लिए available है। आपको और detail चाहिए तो आप मनीष जी को contact करें, आप वो आपको photo भेज देंगे। तो चलिए, number तो publicly हो ही रखा है, तो like everybody call me. You're darling to everyone. People love you, don't they? Yes. Okay, so let's go jump onto that bed. हाँ जी, चलो. Okay. Let's hop on. But separately. Okay. ठीक है, चलिए let's go. चलिए. So gets it go now, Manish जी. हाँ जी. All right. आज हम एक बहुत unique product दिखा रहे हैं हमारे viewers को. जी सर. जी बताइए. तो सर हम basically product क्या दिखा रहे हैं कि काफी लोगों ने हमारे को queries करी थी, हमें online photograph दिखाई, हमें imported bed की photograph दिखाई और हमेशा query दिखाई कि हमें ये particular bed चाहिए जो कहीं पे भी नहीं मिल रहा। ठीक है, वेरी लकी कि हमने ये वाला बेड बनाया और ये ओनली वीडियो है क्लैपटॉप के अंदर जहां पे हम कह सकते हैं कि ये बेड अभी तक शूट हुआ है। आगे का पता नहीं कि लोग बनाएंगे कॉपी करेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन आज के टाइम पे हमने जो बेड इंट्रोड्यूस करा है वो करा है होम थिएटर बेड। ओके, ठीक है। होम थिएटर बेड लाइक जैसा आपने बताया कि स्पेस सेविंग बेड है, सब कुछ है इस बेड के अंदर। ठीक है, सब कुछ एक घर के हिसाब से, बेड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। एक छोटा सा इंट्रो इसका। हाँ जी। ये जनरली डिजाइंस जब हमने क्लैपटॉप स्टार्ट किया था तो लोग हमसे मतलब पर्सनली दे यूज टू सेंड मी दीज पिक्चर्स और बोलते थे कि ये कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, और मैं सबको बोलता था कि दिस कैन नॉट बी मेड इन इंडिया, ये बाहर के फोटो हैं, इंडिया में नहीं बनते हैं ये। ठीक है, तो उस हिसाब से हम ये कभी भी प्रोवाइड नहीं करा पाते थे। कुछ लोग जरूर इम्पोर्ट किया करते थे इनको, बट दिस इज 100% इंडिजीनियस, हिंदुस्तानी है अपने। अच्छा, पहले क्योंकि मैंने इसको होम थिएटर बेड बोला है तो पहले मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा कि ये एज अ बेड इसके क्या क्या फीचर है। ठीक है, डन, बताइए। एज अ बेड के अंदर आप देख सकते हैं हमने चेस्टरफील्ड डिजाइन करा हुआ है। मैं थोड़ा सा वापस आऊंगा, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सब कस्टमाइजेशन हो सकती है। तो ये सिर्फ एक पैटर्न है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, जिसकी जैसी डिमांड है वैसा पैटर्न कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये 6x6.5 का यानी 72x78 का इसके ऊपर मैट्रेस रखा हुआ है। इट्स अ प्रॉपर किंग साइज बेड जो कि एक अडल्ट की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है, दो अडल्ट लोगों के लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है कि एक किंग साइज मुझे बेड चाहिए। बेड बेड की अगर हम बात करें तो बेड के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं कि बेड अच्छा सा हेडरेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर हाइड्रोलिक होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ ये प्रॉपर मेरा, इसमें स्टोरेज भी है। हाँ जी। ओके, मैं आपसे बात कर रहा था कि प्रॉपर इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टोरेज हो रखी है। इसके ऊपर प्रॉपर ग्रिपर बना हुआ है एसएस का टू लिफ्ट द प्रोडक्ट। जनरली ये लूप्स में हुआ करते थे या लूप्स में होता है या फैब्रिक के होते थे या खराब से हैंडल होते थे, इसको आपने सिर्फ लुक की वजह से ऑब्वियसली इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी एनीवेयर। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमने इसका ये जो फ्रेम है ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी हमने एसएस का बनाया है। अच्छा, हमने इसके अंदर लकड़ी का नहीं बना के दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी। अंदर अगर आप देखेंगे सारी चीजें तो अंदर प्रॉपर इसके ऊपर थ्रेड लगा हुआ है, मतलब प्रॉपर माइका लगा हुआ है, सो दैट जो अंदर की जो ब्यूटी है वो बिल्कुल बिंदास रहे। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट संजीव सर,
मैं चाहता तो मैं यहाँ पे कपड़ा नहीं लगाता और मैं इसको पॉलिश करके कॉस्टिंग बचा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर हम कपड़ा लगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी लगा रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनसाइड भी हमारे को पूरा कपड़ा लगाना है, सो डेट जो अंदर की ब्यूटी है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहे। अगर आप देखेंगे नीचे भी गद्दी लगी हुई है, साइड में भी गद्दी लगी हुई है, इधर भी गद्दी है, उधर भी गद्दी है, ठीक है। फिर लोग पूछते हैं कि हम कैसे मान लें कि आपने एक्शन की प्लाई लगाई है या अच्छी कंपनी की लगाई है, तो इस बार हमने स्टीकर भी नहीं हटाया एक्शन का, किसी को अगर देखना हो तो देख सकते हैं कि वी आर यूजिंग क्वालिटी। अच्छा, यहाँ पे जो कंपनी है एक्शन उसका ब्रांड है यहाँ पे लगा हुआ, एंड इट्स अ गुड क्वालिटी, इट कम्स अलोंग विद द वारंटी आल्सो, इट कम्स अलोंग विद द वारंटी आल्सो, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर। कुछ लोगों को थोड़ा सा हाइड्रोलिक के बारे में और बताएं कि जनरली हाइड्रोलिक जो है इनकी क्या वारंटी होती है। हाइड्रोलिक भी बहुत तरह के आते हैं ना, हाइड्रोलिक भी बहुत तरीके के आते हैं, आप देख सकते हो इट्स अ हैवी बेड गद्दा रखा हुआ है, बट हम लोग बड़ा फ्रीली काम कर रहे हैं। हाइड्रोलिक के अंदर हम कंपनी स्टैंडर्ड वारंटीज देते हैं जो हमें 2 ईयर्स की मिलती है, वो वारंटी हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने क्लाइंट के लिए भी, ठीक है। और हम ऑन डोर सर्विस देते हैं कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम घर में जाके इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम नया लगाएंगे, हम उठाएंगे वहां पे, हम कंपनी में देंगे, वो हमें उसके बदले में नया हाइड्रोलिक देगी। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, ठीक है, सिंपल सा काम किया, इसको हाइड्रोलिक में बंद किया और ये हमारा, अच्छा, विदाउट एनी बैंग, ये खुद से सॉफ्ट क्लोज है ये, है ना, ओके, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे हाइड्रोलिक की ये निशानी होती है कि वो सॉफ्ट क्लोज होते हैं, प्लीज गो अहेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, इसके अंदर एक और बताऊंगा कि जनरली हमारी इंडियन फैमिलीज के अंदर ये होता है कि वो बोलते हैं कि भैया बेड ऐसा दो कि जमीन से थोड़ा ऊपर हो ताकि सफाई की कोई दिक्कत ना आए, तो अगर आप देखेंगे तो हमने इसको प्रॉपर जो है तकरीबन एक हाथ का हमने इसमें गैप दिया हुआ है जिसके अंदर आप इजिली इसको नीचे से क्लीन कर सकते हैं। पीकुट के लेग दिए हुए हैं ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहे, ठीक है। इसके अंदर ऑलराइट डन, इसको हम बात कर रहे थे शुरू में, बिगनिंग ऑफ द वीडियो कर रहे हैं, तो आपको कि जब ये ओरिजिनेट हुआ था जहाँ से, जिस कंट्री से, वहाँ पे जनरली ऑन एन एवरेज लोगों की हाइट कम होती थी, हमारे यहाँ के लोगों की हाइट उनसे थोड़ी ज्यादा होती है, स्पेशली इन ओरिएंटल कंट्रीज वेयर पीपल आर एक्चुअली मोर देन नॉट मोर देन 4.5.3 5.4, एंड इंडियंस में जनरली ऑन एन एवरेज हाइट इज अराउंड 5.11। इसीलिए शायद हमने इसको एक हमें बेनिफिट, एक तो आपने स्पेस क्रिएट कर दिया, दूसरा ये थोड़ा लिफ्ट हो गया, एलिवेट हो गया, और ये बैठने में कंफर्ट लेवल बढ़ाता है। फिर डेफिनेटली जैसे घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन हैं तो वो दे नेवर प्रेफर लो बेड, क्योंकि उनको बैठने में और उठने में दिक्कत होगी जी, तो उस चीज को तो हमें फॉलो करना ही करना है, क्योंकि हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमें हमेशा क्लाइंट ये फीडबैक देता है कि मनीष अगर यार हाइड्रोलिक लगा रखा है तो जमीन से ऊपर का बेड दे दोगे तो हमारे को क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहेगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि चॉइस इज योर, ये कस्टमाइजेशन के ऊपर है, अगर किसी को जमीन के साथ चिपका हुआ बेड चाहिए या किसी तरह की कस्टमाइजेशन चाहिए तो हम वो कर सकते हैं। डन, जो चीज हमने आप नोटिस किया, जो चीज हमारी हेडरेस्ट के अंदर डिजाइन है वही पैटर्न हमने फुटरेस्ट के अंदर ही पकड़ा हुआ है, सो डेट दोनों जब दूर से देखे तो लुक वाइज ऑसम लगे, एस्थेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। डन, तो ये हो गई बेड प्लस स्टोरेज प्लस हाइट प्लस क्लीनलीनेस, ये एक यूटिलिटी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट है इसका, हम जाते हैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर, जो नेक्स्ट एलिमेंट हम इसको होम थिएटर बेड कहते हैं, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस बेड के अंदर हमने बेड के अलावा एक ऑप्शन दी है बुकशेल्फ की। अच्छा, आप इसको बुकशेल्फ भी कह सकते हैं, आप इसको कैबिनेट भी कह सकते हैं, ये हर तरीके से एक ड्यूरेबिलिटी के लिए सामान रखने के लिए बढ़िया है, जैसे आपने मोबाइल फोन रख दिया, बुक्स रख दी, कुछ भी ऐसी यूटिलिटी की चीज जो आपको रात को जरूरत पड़ सकती है आप उसको रख सकते हैं, जिस तरह से मसलन अपने चार्जिंग वगैरह होते हैं, चार्जर्स होते हैं, वो आप इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। और क्लीनिंग इज इजी ना, आप इसको कपड़ा मार के अंदर से साफ कर सकते हैं, लाइक अगर कवरेज वगैरह कोई खोलेगा कि बंद कर दो ऊपर से तो अपन वो भी कर देंगे, ओके। अच्छा, आप चाहें तो इसमें एक कवर भी लगा सकते हैं। एक और अच्छी यूटिलिटी मुझे समझ में आती है इसकी, जी सर, व्हेन यू हैव किड्स एट होम और आप गर्म चीजें पीते हैं बहुत ठंडी और आप नहीं चाहते कि बच्चों को लगे, तो आप इसके अंदर रख सकते हैं अपने कप्स, निकाल लीजिए पी लीजिए इसको, है ना, ठीक है ना। मोबाइल फोन नहीं हो तो कुछ भी रख दिया, लाइक आईपैड रख दिया, बुक्स रख दी। दूसरी चीज सर इसके अंदर बनाई है अपन ने, ये हैंड रेस्ट। अच्छा, अब अगर हम इस हैंड रेस्ट की बात करते हैं तो हमने इस तरीके से बनाया कि अगर कोई सामने टीवी देख रहा है एंड आइदर ही और शी और समबडी नीड्स अ सपोर्ट ऑफ आर्म, तो वो आर्म में आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, अच्छी चीज है। कोई अगर मुझे बोलता है कि यार आई एम लाइकिंग इट बट आई विश यहाँ पे कप होल्डर होता सो आई कैन कीप माई ग्लासेस ओवर हियर और वाटर बॉटल ओवर हियर, हम वो ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मेरी जो मैंने बैक इसकी बनाई हुई है टिल्ट बैक बनाई हुई है जो मुझे लोअर बैक को और अपर बैक को सपोर्ट दे रही है, एंड इट्स 8 इंचेस बैक ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि पतली सी गद्दी लगा के काम खत्म कर दिया, वो काम नहीं करा हुआ, ठीक है। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चीज है। ये एक तरफ की आपको मैं यूटिलिटी दिखा रहा हूँ कि अभी एक तरफ की है, अब हम चलते हैं इस बेड के दूसरे कोने के। अच्छा, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ मनीष जी, लेफ्ट हैंड साइड, तो आप
अब इसकी जो दूसरी यूटिलिटी आती है, तो पहले हमने बात करी हैंडल्स की, फिर हमने बात करी कैबिनेट या बुकशेल्फ की. अब हमारे को बैठना है कि अगर इफ वी नीड अ ब्रेकफास्ट काउंटर टाइप थिंग, हम ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे तो वर्क स्टेशन की तरह सामान रखने का ऑप्शन दिया हुआ सर. यानी कि अगर ये कैबिनेट हमने बंद कर दिया है और इसको हम खोलते हैं तो आप इसके नीचे भी अपना स्टडी से रिलेटेड सामान रख सकते हैं. मेडिसिन रख ली, कोई भी ऐसी चीज रख ली जो आपको शायद जरूरत पड़ जाए. प्लस मेरे पास बैठने के लिए प्रॉपर मैं काम कर सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ. ऑप्शन ये बहुत अच्छा है. अगेन कस्टमाइजेशन पे है, किसी को किसी तरह के कोई चेंजेस कराना तो करा सकते हैं इसके अंदर. ठीक है. This can be used as your breakfast table. This can be used as your workstation as well. Workstation also. यहाँ पे बैठ के और आपको लैपटॉप पे काम करना है. And very easy. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी mechanism है. Simple सा mechanism लगा. अच्छा, ठीक है. अब जब हम mechanism की बात करते हैं, अब आप देखेंगे पीछे लाइट जल रही है. ये टच लाइट है. जी. जैसे मैं बता रहा था कि जहाँ पे आपके पास एक राइटिंग टेबल अवेलेबल है और आपको लगता है कि मुझे रात को बैठ के कुछ काम करना है ताकि मेरी और फैमिली डिस्टर्ब ना हो, तो साथ में हमने इसके एक एलईडी लाइट भी दी हुई है. एलईडी लाइट काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है, टच के साथ है. आप इसको टच में जितना टच करोगे ये कम कम ज्यादा ज्यादा सब हो जाएगी इसके अंदर. अच्छा, कई सारे वेरिएंट्स मिलते हैं इसमें. हाँ. ओके. ओके. All lights are off now. हाँ. Okay. तो एक लाइट हमारी मनीषी अभी भी एक लाइट हमारी वो ऑन है ना. तो अभी हम देख रहे थे कि काफी अच्छी खासी लाइट हो रही थी. शुभम कैन यू टर्न ऑफ, प्लीज ऑफ कर दे जब बोले बेटा तब ऑन करियो. तो हम दिखा रहे थे कि ये देखिए, दिस इज द काइंड ऑफ लाइट इट गिव्स है ना. हाँ जी. ये लाइट ऐसी है जो आपको रीडिंग के लिए काफी है. रीडिंग के लिए काफी है और ये केवल एक बंदे को ही दे पाएगी, ताकि दूसरा बंदा परेशान, जो साथ में कोई सो रहा है, बच्चा सो रहा है या कोई भी सो रहा है, उसको ये किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा. ठीक है. ये वाली This is one. और ये रोटेट भी होती है गैस अपने एक्सेस. हाँ, पे ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप टिल्ट कर सकते हैं इसको. आप इसको जैसे मर्जी कर लो. फ्लेक्सिबल है तो जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो. ठीक है. टच करा तो लाइट ऑन हो गई. अगर मैं इसको ज्यादा देर टच करता हूँ तो कर दिया. ओके. उसके बाद क्या है? उसके बाद आप आराम कर रहे हो, आपको थक गए हो, आप क्या करोगे? आप यू वॉन्ट टू लिसन अ गुड म्यूजिक. तो मैं कनेक्ट कर दिया तो इसमें म्यूजिक बजना शुरू हो गया. अच्छा, आपने यहाँ से कोई? हाँ, मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट करा, म्यूजिक बज गया. अच्छा, इसका वॉल्यूम अप टू कितना जाता है? अप टू इतना है कि आराम से हाँ. सुन सकते. ओके. इसकी पेयरिंग आपने कर ली है ब्लूटूथ से? मैंने पेयरिंग कर दी है. इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप. प्लस चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है. अच्छा. ऑक्स भी दिया हुआ है. ओके. तो किसी को फोन चार्ज करना तो चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. लवली. ठीक है. वॉल्यूम मैनुअल भी है. थर्ड स्टोरेज इसके नीचे है. स्टोरेज इसके नीचे भी है. सारी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. डन. नाउ वी विल सी फ्रॉम दिस साइड ऑफ इट है ना. इधर से देखते हैं अभी. ठीक. And we're going to see the other side of it now. ठीक है. अभी तक हमने बेड का एक साइड देखा था, अब हम बेड के दूसरे साइड पे आ रहे हैं. हाँ. दूसरे साइड के अंदर एक इस बेड के अंदर हमने ऑप्शन दिया हुआ लाउंजर का. ओके. आप क्यों हंस रहे? मैं मतलब I was bit surprised to see कि रिएक्शन आपका देखा था. अब इसमें एक पैटर्न दिया लाउंजर का. ये मैं आराम से यहाँ पे सो सकता हूँ. एक बच्चा सो सकता है. ठीक है. सोना मतलब कि हाँ. सोने का मतलब ये है कि रात को नहीं सो सकता, बट एज अ चिल मारने के लिए बंदा यहाँ पे आराम से लेट सकता है. फॉर अ शॉर्ट पीरियड. मतलब जैसे आप रेडी हो गए और आपको रिलैक्स करना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है, आप बैठे हो आराम से. प्रॉपर है. तकिया अटैच कर रखा है. थोड़ा पीछे करके अगर आराम से और लेटना है तो लेट सकते हैं. थोड़ा सा मतलब योगा टाइप भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आई फील वेरी, मतलब मेरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है. ओके. तो ये ऑप्शन तो हो गया सर. अब सर साथ में हमने इसके साथ एक चीज और करी है. वो हमने करी है कि इसके अंदर हमने यूटिलिटी यूनिट भी रखी है. अच्छा. यूनिट के अंदर आप देखेंगे तो हमने एक स्टोरेज दराज यहाँ पे दिया हुआ, एक हमने आसपास से कूलर दिया हुआ. ओके. इनके शटर्स को अलग अलग तरह से हमने बनाने का पर्पज क्या? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ये शटर में आप रख रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको अंदर जाने की प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता. हाँ? तो इसको हमने डाउन इसलिए कर दिया है कि आप बड़ा पीस अंदर डाल सके, प्रॉपर स्टोरेज. अच्छा, इसलिए डिफरेंट शटर है. ठीक है.
ऑलराइट, आपका फोन बजा, वो आपके उसी में कनेक्टेड है, आपका फोन कनेक्टेड है, अच्छा ठीक है, डन। सो रुक जा मेरे भाई, ऑलराइट। अब इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास लाउंजर आ गया, हमारे पास स्टोरेज आ गया, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें हम आपको ऑटोमन भी दिखाएंगे। ओके, अब इन ऑटोमन की भी मल्टीपल यूटिलिटी है। जी जी, अब इन ऑटोमन को आप मल्टीपल यूनिटी दे दी हमने, इसको आपने बेड के साथ में रखना है, बेड के साथ रखो, आपको बेड के आगे पीछे रखना है, बेड के आगे पीछे रखो, वेरी सिंपल है। अच्छा, बहुत लाइट वेट है ये, आपने इसको यूज कर लिया बैठने के लिए, किसी को टेम्परेरी सीटिंग चाहिए, हमने टेम्परेरी सीटिंग दे दी। ऑलराइट, जब जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो जगह बिना वेस्ट करे हमने इसको। अच्छा, द होल आइडिया मनीष जी इज टू सेव अ स्पेस, है ना, विदाउट क्रिएटिंग मल्टीपल यूनिट्स, आपने कम यूनिट्स में कर दिया। बिल्कुल, इसको एक और पर्पस भी मुझे लगता है ऐसा कि इसलिए कि आप इधर निकाल दें ऑटोमन और आप इसको एज अ वर्क स्टेशन काम कर लें इसके ऊपर, है ना। वेरी वेल, ठीक है। मैं अगर इधर बैठ गया हूं, लाइक आई एम वर्किंग समथिंग, तो मेरे पैर अंदर चले गए, मैं पैर से अटका भी नहीं और मैंने बैठ गया, काम भी कर लिया, मुझे लैंप को घुमाने में लैंप को घुमा दिया, एंड आई एम लाइक वर्किंग, प्रॉपर वर्क सेशन हो गया, ठीक है। बच्चों के लिए होमवर्क करने का ये सब बहुत सब रहेगा, एंड यू नो बच्चे ऐसी चीजों को देख के ना, दे गेट मोर एक्साइटेड टू डू वर्क एंड एवरीथिंग, करेक्ट करेक्ट, थोड़ा बोरिंग से हटके हो जाता है बच्चों जी। सो टाइम टू रैप अप, बिफोर वी डू दैट, एक बार फिर से क्विकली रिमाइंड करा दें कि एक ऐसा बेड जिसमें आपको बेड वाली पूरी सारी की सारी वो फैसिलिटीज मिल जाती है, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक स्टोरेज, ठीक है, हेडरेस्ट है, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, आपको फुटबोर्ड है, एर्गोनॉमिकली करेक्ट क्योंकि आपको इंडियंस की ह्यूमन हाइट्स के हिसाब से, यू गेट दैट स्टोरेज दैट कैन बी यूज फॉर योर ट्रिवियल स्टोरेज पर्पजेज, ऑल्सो यू हैव दैट राइट हैंड साइड हेडरेस्ट। देर आर कपल ऑफ टू थिंग्स आई हैव नोटिस्ड मशीन मनीष जी इन दिस, आई विल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट माई फीडबैक, ओके, बट टॉकिंग अबाउट दिस टू कंटिन्यू, देन यू हैव अ लैम्प which is again flexible, you can rotate on 360 degree angle, there are two speakers giving amazing sound, I don't know my sound is clear or not, but that sound is very good, right. Again it works as a breakfast table, it works as a workstation as well, it comes along with two ottomans. Two ottomans you can use anywhere along with that, along with the platform or maybe independently. Absolutely. Then you have a small lounger, this is a substitute to your lounger because a lot of people keep an ottoman here. So rather than keeping an ottoman here, you have a seating arrangement here. Right. This can be used here. Absolutely. There are two more things I have noticed in this. In this bed, you don't need a side table. Absolutely. This is one. Absolutely. Because this has a complete side table arrangement in it. Right. Second thing that I liked about is this is very safe for children. Because there are a lot of adults, those who sleep with their little toddlers and neonates and children. And this gives them protection from both the sides. Right. Okay. तो आपके बच्चे के गिरने के चांसेस जीरो हो जाते हैं यहाँ पे. ओके, राइट या रॉन्ग? बिल्कुल ठीक, मेरा बच्चा होगा तो गिर जाएगा क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा शैतान है. अच्छा, तो दिस इज वेरी किड्स सेफ्टी है. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, इसमें मुझे सिर्फ एक डाउट है कि व्हाट इज द साइज ऑफ मैट्रेस, कितने मैट्रेस का थिकनेस आ सकता है यहाँ पे? इसके अंदर आप अप टू 6 इंच तक की थिकनेस, 72x78 का लेंथ एंड ब्रेथ आप ले सकते हैं. ओके, आपको इसमें क्वीन साइज बनवाना है, क्वीन साइज बनवा सकते हैं, किंग बनवाना है, किंग साइज बनवा सकते हैं. हम एक काम कर लेते हैं जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, हम इसको देखते हैं कि ये एंड टू एंड कितनी जगह ले रहा है. मनीष जी, दो सवाल और, मेजरमेंट पे भी आएंगे हम क्विकली, दो तीन चीजें हो रहे हैं. आपने बोला 5 इंचेस का थिकनेस का इसमें मैट्रेसेस आएगा. आई नो आई एम स्पीडिंग लिटिल टू फास्ट बिकॉज़ वीडियोस लेंथ इज गेटिंग लॉन्गर, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. दिस सेकंड थिंग आई वांटेड टू नो, देयर आर कपल ऑफ अदर वेरिएशंस अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ कलर्स, दिस इज लेदराइट इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक, बट दिस इज दिस पॉसिबल टू मेक दिस बेड इन स्वेड एज वेल? सर एक्चुअली दिस इज स्वेड ओनली व्हिच लुक्स लाइक लेदराइट. ओह, दिस इज स्वेड, दिस इज स्वेड ओनली व्हिच लुक्स लाइक लेदराइट. ये कपड़ा है, ये लेदराइट नहीं है. Oh, okay. All right. I thought it was leatherite. No, okay. ये कपड़ा है, easy to maintain है, right से clean करना है. पर जैसा मैंने आपको बताया कि जिसको जो मन है वैसा बनवा ले. Okay, ठीक है, done. There is no limitation as such. Colors इसके जितने lighter होंगे उतने अच्छे दिखाई देंगे. अब आप end to end इसके measurement बता दें. मैंने recently ये bed white color में book करा है. White में will look very nice, हाँ. Awesome. तो idea ये है कि मैंने इसके अंदर जो color pick करा है at present, उस color मैंने अभी तक सिर्फ इसके चार bed के order ले लिए हैं. अच्छा. As a walk-in client से. और थ्रू कैप्टर ऑल्सो, एक दो मेरे कुछ पुराने क्लाइंट हैं जिनको मैंने शूट करके दिखाया अपने, तो उन्होंने अच्छा लाइक अपडेट. ओके, व्हाइट कलर के अंदर मैंने ऑर्डर लिया एंड दे आर लाइक ब्यूटीफुल. ओके, ठीक है. ये कितने दिन में डिलीवर होगा? सर जिस दिन आप ये ऑर्डर करोगे उसके बाद आई नीड 20 वर्किंग डेज टू मेक दिस. अच्छा, इसमें टाइम लगता है? टाइम लगता है. और ठीक है, आजकल जो सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, जहाँ पे थोड़ा ऑड इवन काम चल रहा है, हमें चांसेस कम मिल रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए.
ठीक है, तो हम उसकी वजह से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। ऑलराइट, नाउ द मेजरमेंट पार्ट जो आप हमें बता रहे थे। हाँ जी, बताइए। मैं आपको बता रहा था कि सर एक तो तरीका हो गया कि हमने ये बता दिया कि हमारे गत्ते का साइज 72-78 है, लेकिन कोई ये सोचे कि यार मेरे घर के लिए मुझे कितनी जगह चाहिए एंड टू एंड, हम उसका साइज नाप लेते हैं, तो दैट विल कम। जो इसकी विड्थ है वो बता रहे हैं आप हमको? सर ये बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए 8.25 फीट, यानी कि ऑलमोस्ट 100 इंचेस एक तरफ से चाहिए ये पार्ट एंड टू एंड, 8.25 है ना, 8.25 फीट हमें चाहिए। ठीक है, और जो हमारा अदर पार्ट है ठीक है, ऑलमोस्ट वहाँ पे भी 100x100 का कमरा चाहिए, 100 इंच x100 का कमरा। नहीं, इसका साइज 100x100 है, ये आपने प्लस 2 कर लिया है, ये एंड टू एंड में हमें 100x100 इंचेस की जगह चाहिए। अच्छा, इस बेड को, इस बेड प्लस आपको 2 फीट और एक्स्ट्रा चाहिए ना आसपास, 2-3 फीट तो मिनिमम चाहिए चाहिए, जिसके अंदर आपको सारा कवर होता है। अब आपके उतनी जगह होती है क्योंकि आप वहाँ पे कोर्ट में बेड साइड टेबल रखते हैं, हाँ, जो ऑटोमेटिकली 2 फीट की होती है, तो आप बेड साइड टेबल नहीं रख रहे हैं तो आपको उतनी जगह मिलेगी। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, जगह ज्यादा नहीं घेर रहा है। ओके, ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट हम बात करेंगे इसके प्राइस को लेके कि कितना इसकी कॉस्ट है। ठीक है, कमिंग बैक टू यू, जस्ट टेल मी। आइडिया ये है कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी, चाहे वो कपड़ा हो, कपड़ा इटसेल्फ इज फॉर 700-800 रुपीस मीटर। ओके, कपड़ा बहुत लगता है इन एंड आउट, गुड क्वालिटी ऑफ प्लाई वी हैव यूज्ड, मैकेनिज्म अच्छे यूज करें, हाइड्रोलिक अच्छे यूज करें, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बेड क्लैपट्रा फैमिली के लिए 1,40,000 रुपए का आएगा। ठीक है, 1,40,000। ऑलराइट, जिसके अंदर अगर कोई हमसे दिल्ली एनसीआर के अंदर ये लेता है तो ये फ्री डिलीवरी है। ऑलराइट, ठीक है, बाकी कुछ बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड टू असेंबली एंड ऑल दैट वो सब आपसे फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डन। अब ये हो गया, दिस इज द एंड ऑफ इट। ये बेड हमने दिखाया फर्स्ट टाइम, एक ऐसा वीडियो जिसमें एक ही बेड था, क्योंकि एक ही बेड के अंदर मल्टीपल यूटिलिटी है, राइट फ्रॉम योर साइड टेबल ड्रॉअर एंड ब्रेकफास्ट टेबल, काउंटर टेबल, और इसके अलावा कुछ स्टोरेज, स्टोमन, राइट, साउंड सिस्टम, म्यूजिक, साउंड बार है आपका इसमें। ठीक है, ये सर आप मान के चलिए ये बेड जो है ना, ये पब्लिक डिमांड ने बना है। ये बेड लोग ऑनलाइन बहुत देख रहे थे, मुझे फोटोग्राफ आते, लेकिन पब्लिक डिमांड के अंदर ये बेड मेक इन इंडिया बनाया है। ठीक है, डन, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेड हो, ये सब मेक इन इंडिया है। ऑल राइट, ठीक है, 1,40,000 रुपीज जीएसटी एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा for Delhi NCR, delivery is free. Absolutely right. All right, done. Time to go to the third part now. Quickly we'll wrap up. हाँ जी. आपने बताया था एक और surprise है, वो हमारे. So we have come back on the first floor. First floor पे Manish is dancing on his own music. Manish. Okay. We need to wrap up now. You have a last element जो आपने बताया था कि last चीज है जो आप incorporate करेंगे, बताइए. तो मेरी last चीज है मेरे Clapton viewers के लिए कि जैसे ये video upload हो जाएगा. Probably next 2-3 days के अंदर, तो उसके लिए 26 जनवरी के हमने सेल ऑन कर दिया है, अप टू 50% ऑफ हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर है, अप टू 50% ऑफ हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर है। अच्छा। जो हम 26 जनवरी तक देंगे। ठीक है, प्लीज डोंट मिस दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, कम एंड शॉप विद अस। अगर आपको लगता है कोविड की वजह से आप लोग नहीं आ सकते हैं लेकिन आपको परचेजिंग करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना रिक्वायरमेंट बताइए, मैं आपको उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिस सेल इज वैलिड टिल 26th of January, 26 जनवरी 2022 तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू, विल सी यू वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, थैंक यू।